character, buddy, I mean one of lead I'm doing, so it's definitely उम्मीद है बहुत ज़्यादा. जी पिंकी कोटो की जो है वो गांव से शहर आई है और उसका सपना है कि वो बैंक में काम करे और आई थिंक शी इज़ वन ऑफ गर्ल जो मतलब पहली लड़की है जो वो जॉब कर रही है, यू नो, उससे पहले उसके जो भी फैमिली में है कोई मतलब काम नहीं किया है एंड ऊपर से बैंक में. सो ऑब्वियसली एंड शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, शी इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग. वो अपने फ्रेंड्स जो भी कपिल मुकेश सबको समझाती रहती है रिलेशनशिप. शी नोज़ हाउ टू हैंडल लाइक मतलब शी नोज शी हैव बीन इन द सराउंडिंग ऑफ एवरी काइंड, सो शी नो हाउ टू हैंडल. चाहे वो विलेज में रहे तब भी she is very adjustable, one word if I have to say. तो वो जहाँ भी रहे she know how to manage and very confident and later on like she becomes housewife and कैसे वो सब family भी manage करती है अपना job भी manage करती है. so it's all about that. I think real life Sadhvi is very chulbuli, very bubbly, very sweet, very innocent. And when it comes about Pinky, I think she's very confident, she's very matured girl, सबको समझाती रहती है and all, which is actually I'm not. So this is what is difference, like, you know. Thank you so much. Thank you. Yeah, sure. She comes from the village and she wants to work in a bank, but what is so attractive about a bank job? ओके बिकॉज उसके जो डैड होते हैं एज आई हैव कैरेक्टराइज्ड माई कैरेक्टर एज इन शी हैड अ डैड हु हैव बीन पास्ड आउट एंड उनका सब ही इज़ अ बैंकर एंड उनका सपना होता है कि उनकी बेटी जाके बैंकर बने. सो नाउ दिस हैज़ बिकम अ ड्रीम फॉर हर कि शी वॉन्ट्स दैट जॉब, यू नो, एंड इवन हर मदर वॉन्ट्स कि वो एक बैंकर बने. सो दैट्स अ रीज़न. बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो सबसे दिक्कत वाली बात थी मेरे लिए पिछले 8-10 सालों में कि मैं अपनी शक्ल ही भूल गया था. मतलब मैं मूछे रखता था, जो चाहे तलाश में मैं विलन था बाबू टिपनेस या स्पेशल 26 में आई वाज रियल पुलिस ऑफिसर एमंग 26 हु यूज्ड टू से आई एम द बेस्ट बुला सर इन द फिल्म एंड ऑल दैट. सो वो जो पुलिसिया इमेज थी और जो गुंडे और विलन, जैसे धूम 3 में मैं साउथ इंडियन डॉन हूँ जो उदय चोपड़ा को मारता है, अभिषेक से एक्शन करता है, तो मैं उस इमेज को तोड़ना चाहता था. और मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा अवसर था कि वन ऑफ़ द मेन कैरेक्टर है फिल्म में और मुकेश मिश्रा जी ने मुझ पर बिलीव दिखाया कि आप कर सकते हैं ये, और मैंने पूरा रिस्क भी लिया बजाय इसके कि मैं उसी चीज़ को फॉलो करता रहूं जो पिछले 5-10 सालों से ईजिली मैं काम करता रहा हूं. तो मैंने कहा नहीं, ये बैंकर का रोल करना चाहिए, एक कॉरपोरेट का रोल करना चाहिए. और पहली बार मुझे किसी डायरेक्टर ने कोट और टाई दी है किसी फिल्म में, और पहली बार मैं अंग्रेज़ी में कुछ डायलॉग्स बोल रहा हूँ, कुछ अच्छे लोग आसपास में हैं मेरे. मेरा किरदार जो है वो गौरव कपूर नाम है इनका. बहुत सीधा साधा सा आदमी है, सीधी साधी सी जिंदगी है, एक बीवी है, बच्चा है, और प्रोग्रेस करना चाहता है. 10 to 5 के अलावा वो एक्स्ट्रा काम करता है, एक्स्ट्रा आवर्स काम करता है ताकि फैमिली के लिए, वो बीवी के लिए शॉपिंग कर सके, बच्चों को फ्यूचर दे सके, और धीरे धीरे उसकी डे बाई डे ग्रोथ हो और वो हो सकता है सीनियर मैनेजर हो जाए, GM हो जाए, ये उसका सपना है. और इस सपने के चलते वो एक तरह से कॉर्पोरेट